बदले के बहुत किस्से आपने सुने होंगे, लेकिन एक लाइनमैन ने पुलिस वालों से जिस तरह से बदला लिया वो चर्चा का विषय बना हुआ है। चेकिंग के समय संविदा कर्मी लाइनमैन का चालान काटना पुलिस कर्मियों को भारी पड़ गया। नाराज विद्युत कर्मियों ने थाने को अंधेरे में कर दिया। मामला उत्तर प्रदेश के शामली जिला के कस्बा थाना भवन का है। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि थाने के बाहर लगे पोल पर चढ़कर एक विद्युत कर्मी कनेक्शन काट रहा है। हुआ यूं कि थाना भवन में बिजली घर पर तैनात संविदा कर्मी लाइनमैन मेहताब का पुलिस ने चरथावल तिराहे पर बाइक का चालान काट दिया। लाइनमैन का कहना है कि लाइन चेक करने के बाद उसने वापसी में हेलमेट नहीं पहना था। ट्रैफिक पुलिस ने रोका तो उसने कहा कि मैं विद्युत लाइन देखकर आ रहा हूं, आगे से मैं हेलमेट का इस्तेमाल करूंगा। लेकिन ट्रैफिक पुलिस ने ये कहते हुए चालान काट दिया कि विद्युत विभाग के कर्मचारी लूट घसोट करते हैं और अधिक बिल भेजते हैं। उसके सामने ही कई लोगों को बिना चालान काटे छोड़ दिया गया। 5,000 की तनख्वाह वाले कर्मी का 6,000 रुपए का चालान काट दिया गया। इस बात से विद्युत कर्मियों में पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर गुस्सा फैल गया। उसके बाद जो हुआ आप देख ही सकते हैं। हिमाचल और देश दुनिया से जुड़ी हर बड़ी अपडेट के लिए बने रहिए EWN 24 न्यूज के साथ।